हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बिग बॉस 11। तो यार, बिग बॉस का क्रेज तो पूरे इंडिया में बहुत जोर शोरों से है, सो मैं उसी के बारे में आज आपको बताने आया हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो सबमिट करी थी और इस बार भी वीडियो सबमिट करी थी, तो मैं आप लोगों को आज यही बताने वाला हूँ कि आप वीडियो किस तरीके से बनाएं। वीडियो के एंड में, मतलब इस दो चार बातचीत के बाद मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी है, आप एक बार उसे चेक करिएगा। और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सेकंड राउंड में पहुँचते हैं तो किस तरीके सब कुछ फेस करें, क्योंकि मैं ये सब फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपसे ये सब शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है अगर आपको अपना फाइनल सिलेक्शन करना है। तो इस बार भी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं इस बार बिग बॉस के घर के अंदर जाऊँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं एंड में। हेलो बिग बॉस, राम राम, दुआ सलाम। मैं हितेश कुमार तुगलकाबाद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। पापा मेरे LIC एजेंट हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। हम दो भाई और एक बहन है जी। और पिछली बार हमारा भैया मनवीर गुजर बिग बॉस में आया और अच्छा काम करके गया जी। आपने देखा ही है, लोगों की अब भी सोचना बदली कि देहाती लोग कुछ ना कर सकें जी। ये तो कहने की बात है जी। और रही बात हमारी जी, हमें जिम के शौकीन पढ़े लिखे हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हो वैसे ढलते हैं जी। दिल के सच्चे हैं, डरते किसी के बाप से ना है। और रही बात बिग बॉस की, तो बिग बॉस को मेरा प्रणाम दोबारा। बिग बॉस से बस यही कहना चाहूँगा जी, पिछली बार भी मैंने ऑडिशन दिए और आगे तक गया भी है, दो स्टेज तक जी। तीसरे स्टेज में अब कुछ पता नहीं, तो इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इस बार भी मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहेगा बिग बॉस में आने का, कि मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था कि लोगों में आज तक इतने गट्स नहीं हुए कि कुछ क्राइम हो रहा है तो उसको रोक सके रोड पे। तो भैया हम तो हैं दबंग आदमी, हम ना डरते काई के बाप से भी, ठीक है। दो शौक पाले जी, खाते हैं, जिम करते हैं और पढ़ते हैं, आगे सिवा कोई तीसरा शौक पालना, छोरियों से रह जी दूर। और बाकी भैया पूरा सपोर्ट है काम का। बिग बॉस, बस आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार हमें मौका देखो, एंटरटेनमेंट की कमी तो रही ना। और बस पिछली बार हमारे भैया मनवीर गुजर ने एक कमी कर दी, जो यू बाबा ओमा स्वामी ओमा जी या मैं धरे ना दो चार, जिस टाइप की आगे हरकतें हैं और बाहर निकल के हमारे कई भैया ने यू मारा भी या बवाना साइड, हमें बहुत खुशी हुई। और जय सलमान भाई को इसने उल्टा सीधा बोला बाहर आके, या हमें तो साड़े में भटापट रैपट लगने चाहिए जी। चलो कोई ना, वो तो रही बिग बॉस की बात। और बस एक ही शौक है जी, जिम का और पढ़ने का। तो बिग बॉस आपसे रिक्वेस्ट है, हमें एक मौका दें, हम भी दिखा देंगे, हम भी काई से कम ना। गांव के छोरा तो कहा होगी, दिल्ली के एक छोटे से गांव से तुगलकाबाद के। और भैया पूरे गांव का सपोर्ट है, पूरे हरियाणा का सपोर्ट है भाई को, तो प्लीज़ 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 बिग बॉस सेलेक्ट करें, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने देखा, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत एडिटिंग कराते हैं, प्रोफेशनल वो रिकॉर्डिंग कराते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की वर्थ है इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ वो लोग आपका ये नहीं देख रहे कि आप वीडियो आपने किस प्रोफेशनल से बनवाई है, नहीं बनवाई है, बस वहाँ आपका देखेंगे आपके एटीट्यूड क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप जो टास्क देते हैं उनको पूरा करने में कैपेबल है या नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा प्रोफेशनल फोटोग्राफी कराते हैं, सच में इस चीज़ का वर्थ नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, ये सब ना करें, सिर्फ नॉर्मल वीडियो बनाएं अपने फ़ोन से या अपने घर में आपका कोई कैमरा है नॉर्मल, तो उससे और कुछ भी नहीं। तो बस यही आपको बताना था। और प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मस्ट विजिट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।